Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Really? Okay, done. Done. गुड न्यूज है, पता है इस संडे हम सब लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। तुम चलोगी ना? पिकनिक? ये प्रोग्राम कौन बना रहा है? अरे हम सब कॉलेज के फ्रेंड्स मिलकर फार्म हाउस जा रहे हैं। ओह वाव, दैट्स ग्रेट, कितना मजा आएगा ना। कौन कौन जा रहा है? किसका फोन था? नहीं बताऊंगी। रिदा की बच्ची बताती है या बताऊं? अच्छा ओके ओके बताती हूँ। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। शैला की कॉल थी। बस वो आ रही है यहाँ पर। फार्म हाउस का प्रोग्राम बन रहा है, सब फार्म हाउस जा रहे हैं। यार तू क्यों नहीं चल रहा फार्म हाउस? यार मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा यार। अबे खुर्रम, इमरान ने सबको इन्फॉर्म कर दिया क्या? हाँ हाँ, इमरान ने उन सबको इन्फॉर्म कर दिया है और सब तैयार है आने के लिए। बस एक मोहसिन है जो राजी नहीं हो रहा। अबे चल ना यार मोहसिन, एंजॉय करेंगे, ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक साथ गेट टुगेदर होने का मौका मिल रहा है। मेरे जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है यार? बे यार लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले हम स्विमिंग पूल में नहाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे और उसके बाद इंडोर गेम एंजॉय करेंगे। चलो फिर जल्दी से तैयार होकर स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। ओके चलो। समझाओ उसे, जान से मारेगा।
कहते हैं कि आपस में होने वाली छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये मामूली और छोटी बातें एक तूफान का खदशा साबित हो सकती है। इमरान और खुर्रम के बीच में होने वाली छोटी झड़प ने क्या शिद्दत अख्तियार की, आइए देखते हैं। क्या बात है इमरान, अब किस टेंशन में हो? यार जिस तरह वो तुम्हें देख रहा था ना, मेरा दिल चाह रहा था उसकी आंखें नोच लूं। कम ऑन यार, आखिरकार वो हमारा ही फ्रेंड है ना। तो फ्रेंड होने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपनी लिमिट ही क्रॉस कर जाए। लीव इट। देखो हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि एंजॉय कर सकें, अच्छी अच्छी बातें कर सकें, और तुम हो के मुंह फुलाए बैठे हो। पता नहीं यार इदा, जब कोई तुम्हें इस तरह देखता है ना तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ? टेंशन में याद ही नहीं रहा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट? और तुम मुझे अब बता रहे हो? कहाँ है गिफ्ट मेरा? अंदर कमरे में। तो फिर चलो ना, मुझे मेरा गिफ्ट देखना है। अच्छा बाबा तुम कमरे में चलो, मैं एक छोटी सी डाइव लगा के आता हूँ। रात को कौन स्विमिंग करता है? अरे मैं करता हूँ ना बाबा। डेड बॉडी को देखा था। सर सबसे पहले मैंने रिदा और इमरान को एक साथ बैठे हुए देखा था, फिर उसके बाद मैं वहां से चला गया था, और जब थोड़ी देर बाद देखा तो इमरान की डेड बॉडी पानी में ऊपर तैर रही थी। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। सर हम सब दोस्त यहां पर आए थे इतने खुशी खुशी। आसिफ। यस सर। इन तमाम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर ले लो और इनके कमरों की अच्छी तरह से तलाशी लो। ओके सर। अब आप तमाम लोग अपने घर जा सकते हैं, और जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है आप में से कोई शहर छोड़ के जाएगा नहीं, ठीक है? जी सर। जब रिदा ने पुलिस को इमरान और खुर्रम के झगड़े के बारे में बताया तो पुलिस, जिसे पहले ही इस बात का शक था कि इमरान को स्विमिंग पूल में डिबोकर कत्ल किया गया है, पिकनिक पे आने वाला हर शख्स और पुलिस खुर्रम को शक की निगाह से देख रही थी, क्योंकि खुर्रम ने इमरान को सबके सामने जान से मारने की धमकी दी। इसी बात की वजह से पुलिस ने खुर्रम को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, अगर तुमने इसको मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया? सर आप जैसी चाहे कसम ले लें, मेरा इमरान से झगड़ा जरूर हुआ था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर कत्ल की धमकी किसने दी थी? वो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मेरा उसे मारने का इरादा थोड़ी था। सब बड़ा पक्का लगता है, इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, थोड़ी और पिटाई करनी पड़ेगी। अपनी जान को क्यों तकलीफ दे रहे हो? सारे शवाहिद और गवाह तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब मैंने उसे नहीं मारा तो मैं कैसे ये कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लूं? अगर किसी ने मेरे खिलाफ ये गवाही दी है कि उसने मुझे खुद मारते हुए देखा है तो उसे मेरे सामने लाए। वो दवा निकल ले तेरी।
अल्लाह मियां को शायद यही मंजूर था। कुदरत की ये सितम ज़रीफ़ी मेरे जाने क्यों है नहीं? ये उसकी आजमाइश है। ये कैसी आजमाइश है नहीं? मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया कि पुलिस ने आखिर खुर्रम को छोड़ क्यों दिया। पुलिस ने क्यों छोड़ा खुर्रम को? उसने मेरे इमरान को मारा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी मम्मी, रिता की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, वो बहुत अकेली हो गई है। जी अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं बस आ रही हूँ। अम्मी का फोन आया है, मुझे जाना होगा। ठीक है, अपना ख्याल रख, मैं आती रहूंगी। रिदा, ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? तो क्या करूं मोहसिन, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ रिदा। ऐनी बता रही थी कि खुर्रम को पुलिस ने छोड़ दिया। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उसे ऑब्जर्वेशन में रखा हो इसलिए छोड़ दिया हो। काश मैं भी उसके साथ मर जाती। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, वो तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें इमरान की मौत से बहुत दुख है। मैं इमरान के बगैर कैसे रह पाऊंगी? वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, बस तुम अब खुद को संभालो। लेकिन मुझे इस बात में हैरत हो रही है कि पुलिस ने खुर्रम को आके छोड़ क्यों दिया। शायद इसलिए कि उसे पानी में डुबोते हुए किसी ने देखा नहीं होगा। नहीं, मैंने खुद कमरे में जाते हुए उसको वहीं खड़े हुए देखा था। तो, शिट। क्या हुआ? टेंशन में याद ही नहीं रहा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट? और तुम मुझे अब बता रहे हो? कहाँ है गिफ्ट मेरा? अंदर कमरे में। इमरान, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? ये एक सरप्राइज है। तो फिर चलो ना, जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट देखना है। अरे थोड़ा सब्र तो करो इमरान, तुम्हें पता है ना मुझसे सब्र नहीं होता। अच्छा बाबा, तो फिर चलो ना, मुझे मेरा गिफ्ट देखना है। तुम कमरे में चलो, मैं एक छोटी सी डाइव लगा के आता हूँ। रात को कौन स्विमिंग करता है? डोंट वरी रिदा, हो सकता है पुलिस की नजर में कातिल कोई और हो। कोई और कौन हो सकता है? ये काम पुलिस के सोचने का है, तुम्हारा नहीं है। नहीं मोहसिन, मेरा दिल नहीं मानता, उसे खुर्रम नहीं मारा है, क्योंकि मैंने खुद उसको उसकी आंखों से देखा था, वहीं पर ही खड़े हुए। अरे डोंट वरी, तुम अपनी कंडीशन ठीक करो, हो जाएगा, जो भी होगा कातिल पकड़ा जाएगा। पुलिस ने खुर्रम को रिहा करने के बाद अपनी तफ्तीश के दायरे को फैला दिया। पिकनिक पे आने वाले हर शख्स से बारी बारी पूछगछ की गई, सबकी कॉल हिस्ट्री भी चेक की गई। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा क्लू लगा जिसकी मदद से पुलिस कातिल तक पहुंच सकती थी। इसी वजह से पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया और उसे इंटेरोगेशन के लिए थाने भी लेकर आ गई। देख, तेरे नंबर से जिस नंबर पे कॉल की गई उसी नंबर से रिजा के नंबर पे बात हुई है रात को। किसका नंबर है ये तू जानता है, और क्या बात हुई है ये भी तू जानता है। देख सच सच बता दे जो तू जानता है, और अपनी जान छुड़ा ले। सच बता दे, वरना सच उगलवाने के तरीके और भी आते हैं हमें। ये लगता है ऐसे ही नहीं बताएगा,
मारो इसे। बता दो, बता दो, बता। यार सुना है खुर्रम के बाद अब पुलिस ने जुहैब को भी पकड़ लिया। हाँ मुझे पता चला शैला, और जो असल मुजरिम है वो अब तक आजाद घूम रहा है। फिर तो पुलिस हमसे भी तफ्तीश करेगी। हाँ तो कर ले, पुलिस का तो काम ही तफ्तीश करना है। काश यार इमरान पिकनिक का प्रोग्राम ना बनाता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी पिकनिक होगी। वाकई में मौत जिंदगी का किसी को नहीं पता फ्रिदा। ज़हमत के लिए माजरा चाहते हैं, हमें इस केस की तफ्तीश मुकम्मल करनी है। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आपका काम है। बस मेरे बाबा थोड़े परेशान हैं। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मुजरिम कौन है ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। देखिए मिस रिदा, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जी जरूर पूछिए। मर्डर के बाद आपके कजन मोहसिन की आपके पास कॉल आई थी? जरा सोच कर बताइए उस वक्त वो कहाँ था। इमरान की डेड बॉडी देखकर मैं बेहोश हो गई थी। मैं कितनी देर बेहोश पड़ी रही इसका तो अंदाजा भी नहीं है मुझे। मेरी आंख मोबाइल फोन पर होने वाली रिंगटोन से। वो उस वक्त फार्म हाउस से बहुत दूर था। आपको पता है कत्ल के बाद जोहेब ने मर्डर की खबर मोहसिन को दी थी? और कत्ल से पहले जोहेब ने मोहसिन को भी कॉल की थी। सो व्हाट, वो लोग फ्रेंड्स हैं। आप लोगों का क्या मतलब है कहने का? देखो रिदा, हम चाहते हैं कि कातिल जो भी हो उसे हम कटहरे में लेकर आए। लेकिन असल कातिल को तो आप लोगों ने छोड़ दिया है। असल कातिल कोई और है शकील साहब। आप लोग कहीं मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? पुलिस का तो काम ही शक की बुनियाद पर शुरू होता है। जरूरत पड़ी तो आपको थाने भी तलब किया जा सकता है। ठीक है, खुर्रम और इमरान का पहले कभी झगड़ा हुआ था? नहीं सर, इससे पहले का तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ उस दिन उन दोनों के दरमियान हाथापाई जरूर हुई थी। क्या खुर्रम भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि रिदा और इमरान के दरमियान में क्या रिश्ता था? जी सर, इस बारे में उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम था। क्या खुर्रम रिदा में इंटरेस्टेड था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन लड़ाई के दरमियान इमरान को ये कहते सुना गया कि खुर्रम रिदा पे निगाह रखता है? जी सर, इस तरह की बात थी, लेकिन हम लोगों ने कभी कुछ महसूस नहीं किया। क्या आप सब में से कोई कत्ल का चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं है? नहीं सर, हमने से किसी ने कत्ल होते तो नहीं देखा। लेकिन हाँ उस दिन हाथापाई के दरमियान खुर्रम ने सबके सामने इमरान को जान से मारने की धमकी दी थी। देखिए धमकी देने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि कातिल भी वही हो। आपके ख्याल में खुर्रम ने इमरान का कत्ल नहीं किया? अभी इस वक्त तो कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत मौजूद नहीं है। देखें जब तक हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं जाती आप में से कोई भी हमें बताए बगैर शहर नहीं छोड़ेगा। चला से। जी सर। तुम तो खोल जा रखा है। उसने पुलिस को पैसे खिला दिए होंगे बाबा। गम ना करो बेटा, ऊपर अल्लाह के साथ वो इंसाफ करेगी बेटा। मोहसिन है? जी सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो तेरी हम करेंगे, बड़ा चालाक बनता है ना तू, सारी चालाकी निकालता हूँ तेरी मैं। सर आपको कोई गलत फहमी हो गई है। सीधी तरह चल रहा है, तेरा हिसाब सारा यही बराबर करूँ मैं। चल आखिर मुझे क्या कहा सर मैंने? आसिफ कुछ बताया इसने? बहुत कुछ बताया सर इसने। चल भाई शुरू हो जा, सर को बता तूने क्यों और कैसे इमरान का कत्ल किया। बताता है या फिर तुझे ड्रैगन की सैर कराऊं? सर रिदा और मैं
फ्रेंड्स होने के साथ साथ कजन्स भी हैं। मुझे पता चल गया था कि पिकनिक का प्रोग्राम बन रहा है जब मैं रीता के घर गया। बस छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ कर लो आप। हाँ, हो गया मेरा मूड ऑफ। बोला ना नेक्स्ट टाइम चलेंगे। मुझे नहीं जाना। तुमने इनकार क्यों कर दिया था? मैं रीता से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये भी जानता था कि रीता इमरान से मोहब्बत करती है, इसलिए तुम अपने सामने उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जी सर। और फिर इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर ली? सर उस दिन अगर जोहेब का फ़ोन नहीं आता तो मैं इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाता। हाँ जोहेब बोलो। यार मोहसिन तुझे एक बात बतानी थी। बोलो क्या बात है? यार अभी इमरान और खुर्रम की हाथापाई हो गई। ये कैसे हुआ? जब मुझे पता चला कि खुर्रम और इमरान के झगड़े की नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि खुर्रम ने उसे जान से मारने की धमकी दी है, तो उस वक्त शैतान ने मुझे बहका दिया और मैंने इमरान को मारने की प्लानिंग बना ली। मैंने जोहेब को कहा कि मैं रात को फार्म हाउस आऊँगा, बस वो फार्म हाउस का मेन गेट खोल दे। सर मैं रात में फार्म हाउस पहुँच गया। जोहेब ने मेन गेट खोला था तो मैं फार्म हाउस में एक जगह जाकर छुप कर बैठ गया था। और जब रीता वहाँ से चली गई तो तुमने अपने काम कर दिखाया और यूँ तुमने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया। जी सर। इमरान को कत्ल करने की थोड़ी देर बाद मैंने बाहर से रीता को कॉल की थी। और यही तुम्हारी भूल थी, जब हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री में तुम्हारी लोकेशन पता की तो हमें वैसे ही शक हो गया था। और तुमने इमरान और खुर्रम के झगड़े का फ़ायदा उठाया? सर मेरा ख्याल था कि इमरान को कत्ल करने के बाद मैं रीता को पा सकूँगा। अगर तुम वाकई रीता से सच्ची मोहब्बत करते तो ये कत्ल जैसे जुर्म कभी नहीं करते। तुम सच्चे आशिक नहीं कातिल हो, और कातिल से लोग मोहब्बत नहीं नफरत करते हैं। अब तुम्हें फांसी के पंदे से कोई नहीं बचा सकता। आसिफ इसका चलान बनाओ और कल सुबह से अदालत में पेश करो। ले जाओ। कहते हैं कि सच्चा और बहादुर इंसान वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखना जानता हो, क्योंकि कभी कभी इंसान की ख्वाहिशात उसे जुर्म की तरफ ले जाती है। हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोहसिन ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए दूसरे की मोहब्बत का गला घोट दिया, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने दोस्त की जान ले ली। अंजाम क्या हुआ ये आप सबने देखा, तो इस बारे में सोचना है आप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।